दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर रेगुलर वीडियो बनाते हैं तो आपको अपनी बहुत सी वीडियो में एक समस्या देखने को मिलती होगी और वो समस्या है कॉपीराइट क्लेम की। और अगर आप एक यूट्यूबर है और वीडियो बनाते हैं तो आपको ये तो भली बात ही पता ही होगा कि जब हमारी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो जिस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आता है उस वीडियो से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो उस व्यक्ति को मिलता है जो हमें कॉपीराइट क्लेम दे देता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपनी वीडियो से कॉपीराइट क्लेम को कैसे हटा सकते हैं। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें अपनी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम देखने को कब मिलता है, ताकि हम आगे जो भी वीडियो बनाए तो उस पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम ना दे सके। तो आज हम आपकी इस समस्या का जड़ से समाधान करेंगे, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेव करना ना भूलिएगा, ताकि YouTube और Facebook से संबंधित नए अपडेट की जानकारी हमारे चैनल के द्वारा आपके पास सबसे पहले पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम देखने को तब मिलता है जब आपने किसी का म्यूजिक यूज किया हो और वह म्यूजिक कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ना हो। और ये जो गलती है वो नए यूट्यूबरों से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि आखिर उनको नॉन कॉपीराइट म्यूजिक कहाँ से मिलेंगे। नए यूट्यूबर क्या करते हैं कि यूट्यूब पर ही सर्च कर लेंगे कि नो कॉपीराइट म्यूजिक सॉन्ग और वहीं से उस म्यूजिक को डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज कर लेते हैं। अब बहुत से यूट्यूबर क्या करते हैं कि नो कॉपीराइट म्यूजिक का थंबनेल लगा के यूट्यूब पर उस म्यूजिक को डाल देते हैं और जब भी कोई उस म्यूजिक को यूज करता है तो वह उस व्यक्ति की वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम दे देते हैं, जिससे कि सामने वाले की वीडियो से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो उनको मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको नो कॉपीराइट म्यूजिक कहाँ पर मिलेंगे, जिससे कि आप उनको यूज करेंगे तो आपको आगे चलकर अपनी वीडियो में कोई भी कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। और चलिए अब बात करते हैं कि आप अपनी वीडियो से कॉपीराइट क्लेम कैसे हटा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और वहाँ पर आपको अपने यूट्यूब स्टूडियो को खोल लेना है। उसके बाद आपको स्टूडियो में अपने चैनल को ओपन कर लेना है। अब आपके सामने आपके चैनल का कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो अब आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको कंटेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटेंट पे जाते हैं आपके सामने आपके सारे वीडियो आ जाते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम वाले सारे वीडियो निकालने हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर एक फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आप फिल्टर पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने आपके सारे कॉपीराइट क्लेम वाले वीडियो आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो से कॉपीराइट क्लेम हटा के दिखाने वाला हूँ आपको। अब मान लीजिए कि ये एक वीडियो है जिस पर हमें कॉपीराइट मिला हुआ है, तो हम इसके टाइटल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि हमें हमारी वीडियो में कहाँ से कहाँ तक के बैकग्राउंड म्यूजिक पर कॉपीराइट क्लेम देखने को मिला है। और चलिए अब बात करते हैं कि इस कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कैसे करें। तो इसके लिए यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं आपको बैकग्राउंड म्यूजिक रिमूव करने के लिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन होता है ट्रिम आउट सेगमेंट का। दोस्तों, इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ कि इसका यूज कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपका वीडियो 30 सेकंड का और उस पर क्लेम लगा है 15 से 25 सेकंड के बीच में, तो जब आप बैकग्राउंड म्यूजिक रिमूव करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी वीडियो का 15 से 25 सेकंड के बीच में वीडियो क्लिप है वो रिमूव हो जाएगा। यानी कि जो आपकी 30 सेकंड की वीडियो थी वो केवल अब 20 सेकंड की ही रह जाएगी। यानी कि आपकी जो 30 सेकंड की वीडियो थी उसको काट पीट कर 20 सेकंड की वीडियो बना दी जाएगी। ये होता है ट्रिम आउट सेगमेंट। और अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो है रिप्लेस सॉन्ग। रिप्लेस सॉन्ग का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि यानी कि जो आपका बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था जिस पर आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिला हुआ है, उसको यूट्यूब खुद रिप्लेस करेगा और आपको उसकी जगह यूट्यूब लाइब्रेरी से नॉन कॉपीराइट म्यूजिक प्रोवाइड करवाएगा, जिसे आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन की, जो है म्यूट साउंड। और ये तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाहता है। यानी कि जो आपका 15 से 25 सेकंड के बीच में कॉपीराइट क्लेम देखने को मिला हुआ है, उस जगह की आपको वीडियो तो देखने को मिलेगी लेकिन उस जगह का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वह यूट्यूब की तरफ से म्यूट कर दिया जाएगा। और अब बात करते हैं अंतिम ऑप्शन की, जिसका नाम है डिस्प्यूट। यानी कि आपको लगता है कि आपने जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया है वो बैकग्राउंड म्यूजिक कॉपीराइट फ्री है और आपको किसी ने फेक क्लेम दे दिया है, तो आप उस व्यक्ति को रिटर्न क्लेम दे सकते हैं। तो दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर से बताएं कि आपको कितनी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम मिला है। और अगर आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं। मैं आपको अगली वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगा कि आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कहां से डाउनलोड कर सकते हैं।